बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको फोटोशॉप पर प्रोफेशनली बैकग्राउंड चेंज और एडजस्ट करना बताऊंगी किसी भी पिक्चर का। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे और ओपन में जाकर पिक्चर लेंगे जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। मैंने ये पिक्चर ली, सिलेक्ट की और ओपन कर दी। अब देखिए, पिछली क्लासेस में मैं आपको फोटोशॉप की बता चुकी हूँ कि किस तरह आप किसी भी पिक्चर को कट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ सिलेक्शन बना के भी इसको, इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर पिक्चर है हो और उसका सिंपल सादा बैकग्राउंड हो, या तो वाइट हो या लाइट कलर्स में हो जिसमें डिफरेंट कलर का मिक्सचर ना हो, तो आप उसको इजीली भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये इरेजर टूल के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है मैजिक इरेजर टूल का, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए एक कलर, जैसे इस पिक्चर का है एक कलर का बैकग्राउंड और सादा सा लाइट कलर का है। अगर उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी तो फिर आपको पिक्चर कटिंग करके ही दूसरे बैकग्राउंड पर ट्रांसफर करना पड़ेगी। हमने यहाँ से मैजिक इरेजर टूल लिया और क्लिक कर दिया। अब जहाँ जहाँ बैकग्राउंड है वहाँ वहाँ आप क्लिक कर दें, पिक्चर पर नहीं क्लिक कीजिएगा वरना पिक्चर भी रिमूव हो जाएगी। अगर कहीं गलती से आपसे पिक्चर रिमूव हो जाए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं ताकि ये बैक हो जाए। इसके अलावा हिस्ट्री ब्रश टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था। हिस्ट्री, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया हिस्ट्री पुरानी चीज़ वापस लाती है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप कंट्रोल जेड प्रेस कर दें तो आप बैक चले जाएंगे। अगर आपसे गलती से पिक्चर का कोई एरिया ज़्यादा रिमूव हो जाए जो आपको पिक्चर में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इस पर ब्लर टूल अप्लाई कर दें, देखिए इसके अंदर एक टूल आ रहा है ब्लर टूल। ब्लर टूल एजेस धुंधला करने के लिए होता है। हम पिक्चर के एजेस मतलब के कॉर्नर धुंधले कर देंगे ताकि जब ये नए बैकग्राउंड पर हम इसे ट्रांसफ़र करें तो ये ऐसा ना हो कि ये नकली लगे कि ये किसी और बैकग्राउंड से ट्रांसफ़र किए। इसलिए हम यहाँ से ब्लर टूल लेंगे। ब्लर टूल लेकर देखिए, इसका साइज बहुत छोटा आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट से देखिए, कर्ली ब्रैकेट जो पी के बराबर में है, इससे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कीबोर्ड में पी के बराबर में है, इससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ये ब्लर टूल। अब हम इसके सिर्फ कॉर्नर पर ब्लर टूल अप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉर्नर पर पिक्चर के। अगर कुछ गलत हो जाए कंट्रोल जेड से पीछे ले सकते हैं। छोटा साइज रखें ताकि ये और अप्लाई ना हो। के कॉर्नर पर हम ब्लर टूल अप्लाई करते जा रहे हैं ताकि ये पिक्चर के कॉर्नर थोड़ा धुंधले हो जाएं। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बैकग्राउंड तो रिमूव कर ही चुके हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और एक हम फाइल में जाकर, ओपन में जाकर पिक्चर लेंगे। बैकग्राउंड भी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बनाना बताया और आगे भी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बैकग्राउंड बनाना बताऊंगी। अभी हम यहाँ एक पिक्चर लेंगे जिस बैकग्राउंड पर हमें ये पिक्चर एडजस्ट करनी है। कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर इस पर ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कलरिंग पे थोड़ा सा शेडिंग लेके आनी है, ये देखिए,
मुझे वैसे ही सही लग रही है। ठीक है जी, इस तरह भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मैंने ये पिक्चर ली, यहाँ मैंने इसको एडजस्ट किया। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी भी ले सकती हूँ। कैसे कॉपी ले सकती हूँ इस पिक्चर की? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, इस पिक्चर की कॉपी यानी डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, या ऑल्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेकर कीबोर्ड से ऑल्टर प्रेस रखा और माउस की लेफ्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करके रखी, और इस तरह इसकी हमने एक कॉपी ले ली। ठीक है जी, अब मैं इस एक पिक्चर को पीछे लेके जाऊंगी मूव टूल की मदद से, और एक पिक्चर को आगे रखूंगी। मैं चाहूँ तो मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ मकसद के। अगर मैं एक इसकी ओपोसिटी कम कर दूँ, ओपोसिटी या फिल यहाँ से कम कर दूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आपने अक्सर बैकग्राउंड्स वगैरह में देखा होगा कि, या ब्राइडल शूट्स वगैरह में, कि एक पिक्चर को पीछे से अक्स दिखाते हैं, तो वो इसी तरह दिखाते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है जी, कि कॉपी ले ली मैंने, या तो कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बना के मूव टूल से मूव करके आप कॉपी ले लें, या फिर ऑल्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसकी कॉपी ले लें। मूव टूल आपको सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, या फिर ये पिक्चर आप इधर ले आए, ये पिक्चर आप इधर ले आए, जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं इस पिक्चर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ। कैसे? इमेज, सॉरी, एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, फ्लिप हॉरिजेंटल। जिस पिक्चर की भी डायरेक्शन चेंज करनी है, एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, फ्लिप हॉरिजेंटल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, या फिर अगर आप इस पिक्चर को पीछे से दिखाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये पिक्चर इस तरह रहे और ये पिक्चर इसके बीच में आए, तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अगर मैंने इस पिक्चर को कंट्रोल टी प्रेस किया और इस तरह साइड में ले आई, और इस पिक्चर का मैंने एक कॉपी ले ली, और इस पिक्चर को मूव टूल से पीछे किया मैंने, और इसको आगे किया, और इस पिक्चर की मैंने ओपोसिटी कम कर दी या फिल कम कर दिया। ठीक है जी, जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों या तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। सारी लेयर्स को मैंने कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। फाइल में गई, मैं न्यू में गई और एक न्यू फाइल लेंगे। ठीक है जी, अच्छा, ये पिक्चर मैं कैंसिल कर दूंगी ताकि इसमें ओरिजिनल पिक्चर ला सकूं बगैर सेव किए, और फिर फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। देखिए, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी जो अब हम लाने वाले हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ जो सिंपल फाइल हमने, सादी फाइल अभी ली है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल टी किया मैंने ट्रांसफॉर्म। इस पिक्चर को छोटा करेंगे ताकि हम दूसरी जो हमने एडिट की है पिक्चर, वो भी यहाँ आपको बिफोर और आफ्टर करके दिखा सकें। शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको कॉर्नर पकड़ के छोटा कर दी गई। इंटर किया,
इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल टी किया। और शिफ्ट के और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको छोटा करते गए। ठीक है जी, अगर हम चाहें तो इस पर मजीद इसकी सिमट वगैरह भी, मतलब कि डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये थी बिफोर पिक्चर और ये आफ्टर, ये बिफोर पिक्चर है और ये आफ्टर, जब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल लर्न इंग्लिश एंड कंप्यूटर विद शगुफ्ता सलाम को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।